सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में होगा लाभ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एसएमई उद्यमियों के लिए आयोजित 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में हुए सम्मिलित। ये कार्यक्रम एमएसएमई क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर आयोजित हुआ। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के तीसरी बार दिए समन पर आज एजेंसी के समक्ष नहीं हुए पेश। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले और धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली में अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील की। कहा सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वाति मिश्रा का भजन राम आएंगे किया शेयर। पीएम ने लिखा कि रामलला के स्वागत में मंत्र मुग्ध कर देने वाला है ये भजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु यात्रा पर ट्विटर पर पीएम मोदी का दौरा एक खास हैशटैग वड़क्कम मोदी छाया रहा। 10 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग के साथ किए रीट्वीट और ट्वीट। 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून की अधिसूचना 26 जनवरी तक हो सकती है जारी। इन कानूनों को 1 साल के भीतर पूरे देश में कर दिया जाएगा लागू। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्थानीय खुफिया सूत्रों के मजबूत करने का को मजबूत करने को लेकर दिए दिशा निर्देश। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस के निर्माण की मिल गई है अनुमति। एक पर जारी है, दूसरे पर पैसा जमा होते ही शुरू होगा काम। संसद से निष्कासित पूर्व टीएमसी सांसद मोहम्मद मोइता पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने लगाया उनकी जासूसी का आरोप। देहद्राई ने गृह मंत्री अमित शाह और सीबीआई चीफ प्रवीण सूद को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडिया ने कहा कि हमने स्टॉक के मामलों में वृद्धि देखी है और ये अच्छा है कि आईसीएमआर ने इस पर विस्तृत शोध किया है। शराब और तंबाकू का सेवन है स्टॉक का मुख्य कारण। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर 40 गोल्फ कार्ट वाहन चलाए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर यूपी सरकार सख्त। अफवाह फैलाने और परिवहन को बाधित करने को लेकर मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों, डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध, कहीं भी ड्राई आउट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लोगों से अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की। जिलाधिकारी डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने देर रात तक लखनऊ द्वारा अमौसी स्थित आईओसीएल के डिपो में अधिकारियों के साथ डीजल पेट्रोल एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए की बैठक। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एसआई सर्वे की रिपोर्ट वादी महिलाओं और उनके वकील को देने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत आज आदेश दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ की आवश्यकता के लिए राजधानी लखनऊ मेट्रो के विस्तार के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में लखनऊ, आगरा और कानपुर मेट्रो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके में दोषी 2 लोगों को स्थानीय अदालत आज सजा सुनाएगी। मामले में पहले ही 2 दोषियों को फांसी की सजा हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में शासन ने 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं, जबकि 1 का तबादला किया गया है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार को अपर मुख्य सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।